द टॉपिक है आज का आर्ट ऑफ लेटिंग द पास्ट गो। हम पास्ट को कैसे जाने दें, इसकी कला हमें सीखनी है। बहुत ही वंडरफुल ये बात है कि जब हम हमारे पास्ट को जाने देने की बात करते हैं, जो हमारे ब्राइट फ्यूचर को या तो हमारे हैप्पी प्रेजेंट मोमेंट को और प्रेजेंट मोमेंट की हैप्पीनेस में जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो उसका सोर्स कहाँ है वो हमें सबसे पहले ढूंढना जरूरी है। हो सकता है कहीं बचपन में आपने कोई ऐसे मैसेजेस रिसीव किए हो, आपने कुछ बोला हो, आपने कुछ किया हो, या तो आपके जो भी एक्सपीरियंस हुए हो वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जस्ट मेटाफोरिकली समझे तो वो स्टोर्ड होता है इन द फाइलिंग कैबिनेट। एक फाइल की कैबिनेट है, वहां पर वो कॉन्स्टेंटली स्टोर होता है। ट्राई टू म्यूट योर सेल्फ। आई हैव टू देम। कैनली चेक योर स्पीकर एंड प्लीज म्यूट योर सेल्फ। Think I'm not able to find that person. Bhavna is unmuted. Anyway, I'm sorry. Okay, so we were talking about कि हमारे पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस, जो हमें पास्ट में कहीं ना कहीं बचपन में स्पेशली जो मैसेज मिले हैं, जो हमने रिसीव किए हैं, हम जो जो भी बोलते हैं या बोले हैं अभी तक, हमने जो जो भी काम किए हैं, हमने जो भी अभी तक एक्सपीरियंस किए हैं, वो सब कुछ हमारी फाइलिंग कैबिनेट में स्टोर होता है। जो हमारे फाइलिंग कैबिनेट के अंदर स्टोर होते हुए हमारे कोर, हमारे गट एंड हमारे सोलर प्लेक्सिस के अंदर वो सारी बातें जस्ट स्टोर होती है। मेटाफोरिकली देखे तो कोई एक फाइलिंग कैबिनेट है, वहां पर स्टोर होती है। एंड वो हमें जभी जभी भी वो सारी इंफॉर्मेशन जो इस तरीके से स्टोर हुई है, जभी भी हमें जरूरत पड़ती है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम अननोइंगली कोई ना कोई सिचुएशन जैसे आती है वैसे वो ट्रिगर होती है, और वो इंफॉर्मेशन को हम जो तो फाइल में से निकालते हैं एंड उसका यूज करते हैं। अब ये ऐसा हो गया कि जस्ट लाइक जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी हमारी एक्शन हम कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन हो, हैप्पी सिचुएशन हो या सैड सिचुएशन हो, कोई अलग अलग डिफरेंट प्लेस में जाते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारे वहां की फाइल में से जो एक मैसेंजर होते हैं, जस्ट इमेजिन कि वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हुए हैं फाइल कैबिनेट के अंदर, अलग अलग फाइल्स पड़ी है, और मैसेंजर क्या करता है, वो अप्रोप्रिएट फाइल को निकालता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन और बेस्ड ऑन वेयर वी आर राइट नाउ, और वहां से वो फाइल ओपन हो जाती है और वहां से ही हम कब बिहेव करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा मेनी टाइम्स कि हम जब भी कोई बिहेवियर करते हैं, इन सर्टेन केसेस जब हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होते हैं और हमने कुछ ऐसी अनप्रिपेयर्ड मेंटल स्टेट के ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हो और हमने कोई डिसीजन लिया या कोई बिहेवियर किया और हमने अपने आप को सरप्राइज किया, चाहे वो सरप्राइज अच्छा भी हो या बुरा भी हो, फिर हम खुद ही बोलते कि ये मैंने कैसे बोल दिया, ये मेरे से कैसे हो गया। वो इसलिए हो जाता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा कि जो भी पास्ट के इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो फाइल में स्टोर्ड है, और वो जो तो टाइम पे ट्रिगर होती है, ओपन होती है, मैसेंजर्स वो फाइल खोलता है अपने सबकॉन्शियस माइंड में से, जस्ट अंडरस्टैंड एज अ मेटाफोरिकली वो कैबिनेट में से जो तो फाइल अपने आप खुलती है एंड हम वहां से बिहेव करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी फाइल्स है, इमेजिन करें उसमें बहुत सारी फाइल में से सर्टेन फाइल्स है जिसके अंदर ऐसे लेबल्स पड़े हुए हैं, जस्ट इमेजिन जस्ट मेटाफोरिकली कि वो लेबल्स के ऊपर लिखा हुआ है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई विल नेवर मेक इट, आई डोंट डू एनीथिंग राइट, या तो कुछ और भी हो सकता है। तो वैसी भी बहुत सारी फाइल पड़ी है, तो आपको पहले तो यहाँ पर ये पूरी सीजन है सेल्फ लव एंड इनर चाइल्ड हीलिंग में, तो
पूरा इंटेंशन यही है कि ये पूरी सीजन के अंदर इस जितनी भी हम सेशंस लेंगे वीकली, उसमें से ये सारे लेबल्स वाली फाइल आप आइडेंटिफाई कर पाए और हम उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड करें, निकाल ही दे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में से. और आज का सेशन फाइल को डिस्कार्ड करने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाला है. सो इसके लिए हम ये मेटाफोरिकली कि तो समझे कि ये सारी फाइल्स पड़ी है, सर्टेन फाइल्स अच्छी लेबल्स वाली भी होगी जो हमें यहाँ तक लेके आई है, हमने जो भी हमारी लाइफ में सक्सेस अभी तक हासिल करी है, जितनी भी हमने खुशी के पल देखे हैं, अचीवमेंट्स के हमने मोमेंट्स को एंजॉय किया है, वो वहाँ से वो फाइल्स में से आए हैं. बट जो ऐसी फाइल्स है जो हमें निकालना चाहिए वो कितनी है वो भी नहीं पता है. आज का सेशन आपको वो भी कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा कि आप कहाँ अटक रहे हैं. आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए साइंटिफिक क्वेश्चंस यहाँ पर मैं शेयर करूंगी, हेल्प करेंगे ये सारे क्वेश्चंस कि डीप जाके आप डीक कर सकते हैं कि और ऐसी कौन सी फाइल्स है, ऐसे कौन से ब्लॉक्स है जो मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे, मैं कितना भी कोशिश कर रहा हूँ इसका क्या साइंस है कि मैं उसको कौन से तरीके से ढूंढ पाऊँ, वो भी आज आप समझेंगे. सो हमने मेटाफोरिकली ये समझा, चलिए हम यही बात को एक्सपीरियंस से समझते हैं कि ऐसी नेगेटिव फाइल्स कैरी करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. क्या इससे सबसे पहले बताइए कि इस प्रकार के नेगेटिव थॉट्स को या ऐसी नेगेटिव फाइल्स है उसको आइडेंटिफाई करके निकालना जरूरी है, यस या नो? सबसे पहले आप ये बताइए, क्या आप मानते हैं कि ऐसी नेगेटिव फाइल्स हमारे कैबिनेट में पड़ी है, वो कोई काम की नहीं है, हमें कोई हमारे भले में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, तो उसको निकालना जरूरी है? जस्ट टाइप यस इफ यू फील सो. आई एम श्योर जितने लोग ये रूम में है वो सभी लोग ये बात को बिलीव करते हैं. वंडरफुल. सो इन दिस केस सबसे पहले समझते हैं कि इसको कैरी करने से क्या होता है. लेट्स डू दिस एक्टिविटी. थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स. लेट्स डू दिस एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस फर्स्ट. करना क्या है, जैसे मैंने बताया आप सभी के पास वाटर बॉटल है, आपको मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 30 seconds का टाइम सेट करती हूँ, सिर्फ 30 seconds. एंड 30 seconds जैसे ही मैं कहूँ कि टाइम अब शुरू हो रहा है, तब आपको अपनी वाटर बॉटल को होल्ड करके ऐसे रखना है, यू नो जस्ट लाइक आगे हाथ को फैलाना है एंड ऐसे होल्ड करके रखना है. और जो हाथ से आपने अपनी वाटर बॉटल को पकड़ा है सपोज, उसको आपको वो हाथ को सपोर्ट नहीं देना है, राइट? जस्ट होल्ड इट लाइक टाइटली. और चेक करना है कि आप वो 30 seconds क्या महसूस कर रहे हैं जब आपने अपनी बॉटल को एक हाथ से पकड़ा है और वो हाथ को कोई सपोर्ट नहीं दिया है. सो क्या सभी लोग ये वंडरफुल एक्टिविटी करने के लिए तैयार है? और हो सके तो ये एक्टिविटी हम सभी लोग कैमरा ऑन करके करें, हो सके तो एटलीस्ट ये एक्टिविटी. और आप खड़े रहकर ये एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आप खड़े भी हो सकते हैं, आप बैठकर कंफर्टेबल है तो बैठ के कर सकते हैं, राइट? बट जस्ट याद रखें कि आपको बिल्कुल ही ये हाथ को ऐसे सपोर्ट नहीं देना है. ओके, एवरीवन इज रेडी? ओके, मैं भी आपके साथ ये एक्टिविटी करूंगी, बट प्रोवाइडेड आई हैव अ ग्लास. मेरे पास पानी का ग्लास भरा हुआ है, बिग ग्लास, राइट? ओके, परफेक्ट. सो मैं 1, 2, और 3 बोलूंगी. परफेक्ट, थैंक यू. जैसे ही मैं 3 बोलती हूँ, आपका हाथ आगे बढ़ा दीजिएगा और हाथ में पानी की भरी हुई बोतल होनी चाहिए. रेडी, 1, 2, and stop. यस, कम ऑन, जस्ट डू दिस. आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन होल्ड दिस बॉटल. You are strong, very strong, wonderful. Keep it up. Only few seconds left. Do it. Wonderful. Good news is, हमने 30 seconds complete कर ली है. And I have a question. क्या हमें
इसको और कंटिन्यू करना चाहिए? क्या हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि हम ये बॉटल को और होल्ड कर पाए? आपको ऐसा लग रहा है? जस्ट कीप डूइंग। पता है कितना समय हुआ? और ये हो गई 1 मिनट। कंग्रेचुलेशंस, अभी भी आपने बॉटल को पकड़ के रखा है। सी आपकी स्ट्रेंथ, आप कितने ताकतवर हैं। ओ माय गॉड, आप अभी भी बॉटल को पकड़ कर रख सकते हैं। आपकी हाथ की स्ट्रेंथ, दैट्स सो गुड। कैन यू होल्ड मोर सेकेंड्स? कम ऑन, चेक योर एबिलिटी, चेक योर स्ट्रेंथ। वाओ, दैट्स सो अमेजिंग। कैन यू बिलीव 1 मिनट और 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। एनीवे, आई हैव टू स्टॉप दिस नाउ। वंडरफुल, कंग्रेचुलेशंस, आपने ये एक बहुत ही वंडरफुल एक्सरसाइज करी है। नाउ टेल मी, आप में से कितने लोगों ने, इट्स जस्ट 1 मिनट एंड 38 सेकेंड्स, बाय द वे कंग्रेचुलेशंस, यू कुड डू दैट। हमने तो 30 सेकेंड्स की बात करी थी और आपने ये 1 मिनट एंड 38 सेकेंड्स तक, कितने लोगों ने अपनी बॉटल को ऐसे होल्ड करके रख पाए? कितने लोग? जस्ट टाइप मी, सीमा जी, सिया, व्हाट इज हिज नेम, या उस्मान जी, जयन जी, ओ माय गॉड, कंग्रेचुलेशंस, नीरज, सैला जी, वंडरफुल, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस दैट यू डीड दैट। और कितने लोगों ने बीच में ड्रॉप कर दी, पूरा 1 मिनट 38 सेकेंड्स नहीं होल्ड कर पाए? कितने लोग? ओके, जस्ट ट्राई दैट, आई कुड नॉट डू दैट, आई डिडंट होल्ड इट। जयश्री जी सेड दैट मी मीन्स आई, यू डिडंट होल्ड अप टू 1 मिनट एंड 38 सेकेंड्स। वंडरफुल डियर फ्रेंड्स, यू एक्सपीरियंस टूडे यू कैन नॉट इवन कैरी 1 लीटर वाटर बॉटल फॉर 1 मिनट एंड 38 सेकेंड्स। और इवन इफ यू कुड होल्ड इट, आई एम श्योर जिन्होंने भी ये होल्ड भी किया सक्सेसफुली, उनके हाथ में पेन होना शुरू हो गया था। कितने लोगों को हाथ में पेन होना शुरू हो गया था? कितने लोगों को लगा कि मैं शायद 5 मिनट, 2 मिनट, 7 मिनट, इससे ज्यादा तो ऐसे होल्ड नहीं कर सकता? मी, वंडरफुल। सो ये आपने एक्सपीरियंस किया है कि आपको 2 मिनट 5 मिनट के बाद तो उसको रखना ही है। किसी ने तो इससे पहले भी बॉटल को नीचे रख दिया। बहुत ही वंडरफुल एक मेटाफोरिकल स्टोरी के थ्रू आपको ये बात मैं समझाना चाहती हूँ जो आप हमेशा याद रख पाएंगे, और वो ये है, एक टीचर ने, हम यही लर्निंग्स को ये स्टोरी के थ्रू और ज्यादा गहराई में जाके समझते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किया है। सो प्लीज मेरे साथ अलाइन रहिएगा, ये स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। एक टीचर ने क्लास में बच्चों को अनाउंस किया कि कल से 1 तारीख है और कल से आने वाले 30 दिन तक आपको क्लास में जब भी आते हैं घर से, तो 1 kg पोटेटोस की बैग लेके आनी है। बच्चों को लगा कि शायद ये पार्ट ऑफ असाइनमेंट है, कुछ टीचर उसमें सिखाएंगे। सारे बच्चे एज पार्ट ऑफ असाइनमेंट 1 kg पोटेटोस अपने साथ, स्कूल बैग के साथ 1 kg एक्स्ट्रा पोटेटोस लेके आए। पूरा दिन खत्म होने को आया, टीचर्स अपने रूटीन में बिजी थे पढ़ाने में, बच्चे वेट कर रहे थे कि ये पोटेटोस का क्या करना है। लास्ट 10 मिनट्स क्लास ओवर होने में बाकी थे, तब टीचर ने अनाउंस किया, डियर चिल्ड्रन, थैंक यू कि आप सभी लोगों ने मैंने जो बताया था किया, सभी लोग 1 kg पोटेटोस बैग लेके आए हैं। यही बैग को आप कल भी लेके आइए, दैट इज योर टुडेज असाइनमेंट। बच्चे क्यूरियस थे कि टीचर क्या करवा रहे हैं, आज तो कुछ नहीं करवाया, 1 kg बहुत होता है बच्चों के लिए। दूसरे दिन एनीवे, वो सारे बच्चे, सारा क्लास 1 kg पोटेटोस अलोंग विद देयर स्कूल बैग वो लेके आए। अगेन पूरा दिन टीचर्स ने अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़ाया।
बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कभी तो आएगा ब्रेक के बाद, या कभी तो सिखाएंगे बताएंगे ये पोटेटोस का क्या करना है। सेम सेकेंड डे लास्ट 10 मिनट्स में अनाउंस किया, प्लीज कैरी सेम पोटेटो बैग्स टुमारो। और ये सिलसिला चलता रहा 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन। लास्ट डे आ गया मंथ का, रोज टीचर सेम इंस्ट्रक्शंस देते थे, बच्चे सेम काम करते थे, रोज पोटेटो बैग लेके आते थे एंड रोज वापस जाते थे वही पोटेटोज बैग लेके। अब लास्ट डे पर टीचर ने अनाउंस किया एक्सक्लूसिवली बिगिनिंग ऑफ द डे कि क्या आज भी आप सभी लोग पोटेटो बैग लेके आए हैं। सभी बच्चों ने बोला यस टीचर। उन्होंने कहा कि आपके पोटेटो बैग्स में कितने पोटेटोज है, क्या 1 kg है या उससे कम है? तो सभी, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने कहा कि 1 kg कैसे हो सकता है, कम ही है। और टीचर ने कहा क्यों, क्या हो गया, क्यों कम है? तो उन्होंने कहा कि वो कन 1 kg पोटेटोज में से थोड़े दिनों के बाद उसमें जितने पोटेटोज थे उसमें से थोड़े थोड़े पोटेटोज बिगड़ने लगे और वो इतना स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी कि हमने वो पोटेटोज निकाल बाहर किए और बाकी जो बचे वो हम कैरी करके आए। और आज तो ऐसी हालत है कि शायद ही 1 या 2 पोटेटोज हमारे बैग में बचा है, किसी की बैग तो बिल्कुल खाली थी, सिर्फ बैग लेके आए थे। और टीचर ने जो बच्चों को कहा, हम सभी को याद रखने की जरूरत है कि एनीवे आपको 30 दिन के बाद भी वो सारे पोटेटोज को फेंकना पड़ा, तो क्यों नहीं हम पहले दिन ही उसको ड्रॉप कर दे। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम ऐसी अननेसेसरी बातों को जो हमारे सर पर लेके हुए घूम रहे हैं, जो हमारे भले में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है और एनीवे हमें कहीं ना कहीं उसको छोड़ना है तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, तो हम क्यों पेन लेने के बाद, कॉस्ट पे करने के बाद उसको छोड़े, क्यों नहीं हम ऑन द स्पॉट छोड़ दे। ये तो कहानी थी, मेटाफोरिकली थी, आलू बिगड़े तो बच्चों ने फेंके, बट वी रियली लव अवर आलू, डोंट यू थिंक? वी लव, वी रियली लव अवर पोटेटोस, हमें हमारे पोटेटोस इतने पसंद है, हमें हमारे प्रॉब्लम्स इतने पसंद है कि हम उसमें से निकलना ही नहीं चाहते हैं। पसंद है यानी कि हमें, हमारे दुख हमारे पर आ गया, हम विक्टिम है, हम विक्टिम पर्सनालिटी बनकर हमारे दुखों को लोगों के साथ रोना पसंद है, हमें बताना पसंद है, कोई हमें विक्टिम है ऐसा एक बार वैलिडेट कर दे, साबित कर दे, वो चाह है, वो नीड है हमारे अंदर। और वो इतना हद तक हमारा उसके साथ अटैचमेंट है, चिपकाव है कि हम उसको ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं। आप बाहर की दुनिया में एक बार ऐसा वैलिडेशन भी ले लेंगे, सर्टिफिकेट भी ले लेंगे कि अरे बाप रे, तुम्हारा, तुम्हारे जीवन में तो बहुत दुख आया, तुम्हारे से दुखी दुनिया में कोई नहीं है, आई फील सो सॉरी फॉर यू। अच्छा, ऐसा सर्टिफिकेट भी मिल जाए, इससे क्या होगा? क्या आपके दुखों में या आपके बोझ में कुछ हल्कापन आएगा? मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या इससे आपके जीवन में, आपके जीवन के जो बोझ है उसमें हल्कापन आएगा? यस या नो? जस्ट यूज द चैट बॉक्स एंड जस्ट टेल मी, क्या इससे आपके जीवन में कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो पाएंगे? नो। कोई बाहर की दुनिया में आपको वैलिडेशन देता है कि आप में, आपके जीवन में तो सच में बहुत दुख आए हैं, आई एम सो सॉरी फॉर यू, ऐसा वैलिडेशन भी मिल जाएगा आपको, उससे आपके जीवन में से कोई बोझ हल्के नहीं होने वाले हैं। हल्के तभी होंगे जैसे कि जो पोटेटोस बच्चों ने एनीवे ड्रॉप किए एंड फाइनली दे फील रिलैक्स्ड एट द एंड डे, लास्ट डे ऑफ द कंप्लीट चैलेंज, ऑफ द 1 मंथ चैलेंज। चाहे फिर टीचर ने जो भी करना था, बच्चों को इतना पता था कि बिगड़े हुए आलू कैरी करना मुश्किल था और उन्होंने ड्रॉप किया। जितना हम होल्ड करके रखेंगे, ये बिगड़े हुए आलू की जैसी हालत होगी, वो और ज्यादा बुरे रिजल्ट्स हमारी लाइफ में देगा और बदबू देगा और ज्यादा हमारी लाइफ वर्स्ट होती चली जाएगी।
सो हम कुछ और समझे ये सेशन से या ना समझे, आज इतना जरूर समझे कि ऐसे कितने पोटेटोज हमने कैरी करके रखे हैं हमारी बैग में जो सच में बदबू दे रहा है, जो हमें कुछ हमारी भलाई में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है. आज मिरर वर्क एंड हमारी जर्नलिंग वर्क इतना वंडरफुल एंड पावरफुल है कि जहां से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप ऐसे बदबूदार बिगड़े हुए आलू को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसको ड्रॉप भी कर पाएंगे. राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल पार्टिसिपेशन. वी आर रियली बरीड अंडर पाइल्स ऑफ ओल्ड नेगेटिव टेप्स. हम हमारे पुराने नकारात्मक टेपों के ढेर के नीचे दबे हुए हैं. टेप यानी कि जो टेप्स चलती है ना, कॉन्स्टेंट सेल्फ टॉक, हम कॉन्स्टेंटली उसके नीचे दबे हुए हैं. एंड आज हम हमारे वो सारे जो नेगेटिव टेप्स है, जो मैसेंजर्स के थ्रू कॉन्स्टेंट बजती रहती है, जो लिटिल वॉइस है, उसको आज हम सरप्राइज देने वाले हैं. आज से हमेशा के लिए, बाय द वे आपने ये जर्नी ऑलरेडी शुरू कर दी है, बट आज स्पेशली आज की जो हमारी एक्टिविटी है, हमारा जो काम है ये पूरे एक वीक का, तो आज से तो हम बहुत बड़ी बड़ी सरप्राइजेस हमारे वो मैसेंजर्स को देने वाले हैं. क्या आप सभी लोग वो सरप्राइज देने के लिए तैयार है? जस्ट टाइप दैट यस, जस्ट बी लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह बने एंड जस्ट पार्टिसिपेट फुल्ली. बच्चे कैसे खुश होते हैं एंड कैसे ये चीयर्स करते हैं, चीयर अप करते हैं. यस, परफेक्ट. सो सरप्राइज कैसे देनी है? अपने जो लिटिल मैसेजेस है उसको सरप्राइज देनी है पॉजिटिव मैसेजेस है. क्या पॉजिटिव मैसेजेस आप दे सकते हैं? जैसे कि सबसे पहले तो ऐसे आप शुरुआत करें, क्योंकि स्ट्रेट अवे आप कहेंगे आई एम लवेबल, आई एम लव्ड, उससे बजाय अपने दरवाजे धीरे से खोले, क्योंकि अदरवाइज आपके सबकॉन्शियस माइंड को रेजिस्टेंस आएगा. आप कह सकते हैं आई एम विलिंग टू लेट गो, मैं लेट गो करने के लिए तैयार हूं. विलिंगनेस दिखाना बहुत जरूरी है. व्हेन यू से दिस टू योर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू दिस अफर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ दिस अफर्मेशंस, योर माइंड इज एक्चुअली यू नो गोइंग टू बी मोर रिसेप्टिव. वो और ओपन रहेगा और रिसेप्टिव बनेगा. राइट, सो वेरी फर्स्ट यू कैन टेल योर सेल्फ, योर माइंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑल्सो. आई एम विलिंग टू लेट गो, आई रिलीज ब्लेम, आई एम रेडी टू फॉरगिव. जस्ट टेल दीज थ्री थिंग्स फर्स्ट एंड सरप्राइज योर माइंड. आई गिव यू अ 30 seconds राइट नाउ. Tell, just close your eyes and just tell yourself. Just mere saath aap dohraye. I'm willing to let go. I release blame. I'm ready to forgive. And again, put your hands on your heart and again tell these things. Aankhe bandhi rakhe. I'm willing to let go. I release blame. I'm ready to forgive. Yeah. Open your eyes and just check कैसा लग रहा है. हो सकता है आपका mind surprise हो जाएगा, wonder हो जाएगा. But believe me, जब आप इस तरीके की practice करते हैं तो सच में आप अपने जो ब्लॉग्स होते हैं, आपके जो ब्लॉग्स है, यू नो, आप उसको वन बाय वन निकाल रहे हैं. हैव यू सीन दैट गेम, जो ब्लॉग्स हम बिल्डिंग बनाते हैं, देन हम एक एक ब्लॉक उसमें से निकालते हैं. इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप जैसे जैसे अफर्मेशंस आप यूज करते जाएंगे, जैसे जैसे आप मिरर वर्क की प्रैक्टिस करते जाएंगे, जो 4 tools हमने दिए हैं, बिलीव मी आप एक एक ब्लॉक्स को, एक एक लेयर को निकालते चले जाएंगे और आपके माइंड को आप सरप्राइज करते जाएंगे. और स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा, आपका माइंड यू नो पूरा नेगेटिव थॉट्स टेप को निकाल कर हम पॉजिटिव टेप को इंस्टॉल करेंगे. आज ही करेंगे और आप उसका एक्सपीरियंस भी करेंगे और फिर आप कॉन्स्टेंट उसकी प्रैक्टिस करेंगे थ्रू आउट दिस वीक. तब डेफिनेटली आपके पास एक नई टेप होगी नेक्स्ट वीक तक, बिलीव मी. एंड दैट्स सो इंटरेस्टिंग, राइट? सो डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपने माइंड को सरप्राइज देना है, विलिंगनेस दिखानी है. और आपका माइंड ऐसा भी कहेगा कि ये मैसेज कहाँ से आ गए, ये है क्या, व्हाट इज दिस, मुझे तो इसकी आदत ही नहीं है.
हमने तो इसको पहले कभी देखा ही नहीं है, ये फाइल्स कहाँ से आ गई, ये तो कोई अननोन फाइल है, एलियन है, ऐसा भी लगेगा, क्योंकि हमने बहुत साल तक नेगेटिविटी की ही प्रैक्टिस करी है, तो ऐसे सारे रेजिस्टेंस आएंगे, ऐसी सारी सरप्राइजेस उसको मिलेगी, तो वो रेजिस्ट करेगा, बट आपको प्यार से ये प्रैक्टिस करती रहना है, आपको करते रहना है, और आपका माइंड धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा। काफी लोग फिर भी मुझे ये पूछते हैं कि हम ये प्रैक्टिस हमेशा करते हैं, पहले भी करते थे, अलग अलग किताबों से भी हमने ये बात को जाना है, हमने बहुत सारे कोर्सेस किए हैं, लेकिन फिर भी हमारी पॉजिटिव सेल्फ टॉक में लाने में हमें अभी भी स्ट्रगल हो रही है। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि फिर भी हमें स्ट्रगल हो रही है, हमारी सेल्फ टॉक को हम पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं, कितने लोगों को ऐसा लगता है? ये सभी के लिए ये गुड न्यूज है कि मैं आपको यहाँ पर साइंस बताने वाली हूँ, इंट्रोस्पेक्ट के क्वेश्चंस देने वाली हूँ, और आज के जर्नलिंग वर्क एंड आज के मिरर वर्क से ये सारे सवालों के, ये जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। एक सॉल्यूशन तो ये भी है कि आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में सच में कुछ लेट गो करना है, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है या पेनफुल पास्ट है, और आपको उसको रिलीज करना है, लेट गो करना है, तो आपको उसके लिए ये बात, जो प्रॉब्लम होता है ये है कि हम लेट गो करें तो कैसे करें और क्या करें, तो कैसे करें ये तो आप सीखेंगे, लेकिन क्या करें, काफी लोगों को तो ये भी प्रॉब्लम है कि हमने मेटाफोरिकली स्टोरी में तो देखा कि पोटेटोज है बैग में, एंड वो हम ड्रॉप करते हैं, बिगड़ते चले जाते हैं, तो हमने हाथ में बॉटल को होल्ड करके एक्सपीरियंस को तो किया कि हम होल्ड करेंगे और एनीवे आफ्टर 5 मिनट्स और आफ्टर 10 मिनट्स भी हमें उसको ड्रॉप तो करना ही है, तो व्हाई नॉट पहले ही कर दे, होल्ड ही क्यों करे, ये तो समझा, लेकिन हम ड्रॉप क्या करें, यहाँ पे तो वाटर बॉटल एंड पोटेटोस था जो ड्रॉप कर सकते थे। समटाइम्स काफी लोगों को ये भी क्वेश्चन है, और ड्रॉप करना क्या है वो पकड़ में आता है तो कर नहीं पाते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो ये दोनों प्रॉब्लम का यहाँ सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि समटाइम्स लोगों को ये होता है, इसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेने हैं तो आप इस तरीके से समझे कि आपकी लाइफ में क्या नहीं चल रहा है, वी नो वॉट इज नॉट वर्किंग इन अवर लाइफ, इतना तो हमें पता है, आप उस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें सबको पता तो है कि हमारी लाइफ में क्या नहीं चल रहा है, और हम सभी लोगों को ये तो पता है कि हमें क्या चाहिए, ये दोनों बातें पता है, यस, एंड इन दैट केस ये पकड़ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या छोड़ना चाहिए, हमारी लिमिटिंग बिलीव क्या है, अदर वर्ड में कहे तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि आप अपनी प्रेजेंट मोमेंट में अपने सारे एरिया को चेक कर ले। आई रिपीट कि हमारी लाइफ में क्या नहीं चल रहा है ये तो हमें पता है, हमें क्या लाइफ में चाहिए ये तो हमें पता है, बट हमें ये नहीं पता है कि हमें क्या लेट गो करना है। पोटेटोज बैग थी मेटाफोरिकली, चलो लेट गो कर ली, समझने भी आ सकता है, बच्चों को भी समझ में आ सकता है, बट हमारी लिमिटिंग बिलीफ क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करें, क्या लेट गो करे जो हमारे अच्छे के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। तो आप सिंपली अभी अपनी प्रेजेंट मोमेंट में जितने भी एरिया है उसको चेक करें, आपके साथ अभी क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, मनी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके हेल्थ एरिया में हो सकता है हेल्थ एरिया इज नॉट वर्किंग, चेक करें, अच्छा भी कुछ हो सकता है या जो भी हो रहा है आप उसको जब चेक करते हैं, बिलीव मी आपका जो खुद का जो आपकी बाहर की दुनिया में जो भी कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो आपकी अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन ही है, वो बाहर की दुनिया में, यानी कि आपकी बिलीव से ही वो बाहर रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, आपकी बिलीव ही बाहर आपकी दुनिया में रिजल्ट प्रोड्यूस कर के देती है, तो लिटरली जस्ट चेक योर एक्सपीरियंस, क्योंकि वो आपकी बिलीफ को डिफाइन करता है। सो स्ट्रेट अवे मैं आपको अगेन 10 to 15 seconds देती हूँ, आप अपनी नोटपैड में लिखे, क्योंकि क्लास के बाद हो सकता है बहुत सारी बातें हैं जो अभी ब्रेक थ्रू मोमेंट्स है, जो बाद में नहीं मिलेगी वो मोमेंट्स, कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड आपके पास यही मौका है अपनी बिलीफ को पकड़ने का, जो आप बिलीफ को पकड़ेंगे और वो आपके भले में कंट्रीब्यूट नहीं करिए तो आप ड्रॉप कर पाएंगे, जस्ट लिखे आपका प्रेजेंट
मोमेंट में ये सारे एरिया में क्या चल रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, मनी में, स्पिरिचुअल एरिया में. हो सकता है आई एम हेल्पिंग यू. कोई रिश्तों में आपको दुखी है, वो लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहा है, आपको दगा कर रहा है, कोई आपको प्यार नहीं कर रहा है, हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, पैसे के बारे में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, करियर में जो आपको ग्रोथ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, जो प्रॉफिट चाहिए आपको नहीं मिल रहा है, क्या है? क्विकली लिखे, डोंट थिंक मच, क्विकली. और 10 सेकेंड्स देती हूँ, 2-3 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. कोई एक एरिया को पकड़ के या सारे एरिया में जहां जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड जब आपने ये लिख लिया है और वो ऐसा जो आपने लिखा है कि जो नॉट वर्किंग एरिया है जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि वो सारी बातें आपकी बिलीफ को रिफ्लेक्ट करती है, आपके इनर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करती है. एंड आपने जो भी लिखा है, दैट्स एक्चुअली आपका बेस्ट गिफ्ट है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए हैं अभी. और आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं तो आप ड्रॉप कर पाएंगे. सिंपल, कोई बीमार पड़ता है और लेबोरेटरी में जाके रिपोर्ट करवाते हैं और रिपोर्ट्स आता है, तो बहुत गुड न्यूज ये है कि भाई रिपोर्ट तो आ गया कि क्या हुआ है पता चला, तो आप उसका इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट इसकी कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी कि आप आइडेंटिफाई करें. एंड वही आपकी बिलीफ है जो ये सारे एरिया में आपको कॉन्ट्रीब्यूट करके आपको अभी जो रिजल्ट्स दे रही है वो ये बिलीफ दे रही है. आप हमेशा याद रखिए, दूसरी बात ये है, या तो आप अपनी बिलीफ को इस तरीके से चेक करें आपके प्रेजेंट एक्सपीरियंस को चेक करते हुए, या तो आप इंट्रोस्पेक्ट करें कि जब आप कोई सिचुएशन में समथिंग है जो ऐसे आपके साथ घटना घटती है जहां पर आप कंफर्टेबल नहीं है, व्हेन समथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ डज नॉट फील कंफर्टेबल फॉर यू, देयर इज अ वन अनदर वे. आप उससे कंफर्टेबल नहीं है, यानी इरिटेट होते हैं, कंफर्टेबल नहीं है, डिस्कम्फर्ट है, तब आप देखिए कि कुछ ऐसा हमारे अंदर की दुनिया में गड़बड़ चल रहा है और हमें उसमें चेंज करना है. वो बिलीफ है जो हमें एम्पावर नहीं कर रही है, डिसएम्पावर कर रही है. तो कैसे हम करेंगे? इस प्रकार का कुछ अनकंफर्टेबल पोजीशन आपके लाइफ में चल रही है, आपको आप अनहैप्पी है, फेलियर है इन सर्टेन एरिया, तो आस्क दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ. First question and introspect and write down the answer after the session. First question ये है, how am I contributing to this experience? जो जो मेरी life में अभी experience हो रहे हैं, मैं उसमें कैसे contribute कर रहा हूँ? मेरा contribution क्या है? मेरे thoughts, मेरी belief, कौन सी belief है कि जिसके कारण ऐसे experience मेरी life में हो रहे हैं? How am I contributing? That is the first thing you can ask yourself. और जो जवाब आ रहा है आप उसमें लिखे. What is it within me that believes I deserve this? मेरे अंदर ऐसा क्या है जिससे ये मैं मानता हूँ कि मैं ये deserve कर रहा हूँ? मेरे अंदर ऐसा क्या है? क्या thoughts है मेरे अंदर? Introspect करें. What is it within me that believes I deserve this? Example, आप पैसे के एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप रिश्तों में कहीं दुखी है, हो सकता है आप हेल्थ में कहीं पर हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज है, तो what is it within me that I believe I deserve this? Third question है, how can I change this beliefs? First two questions आपको belief identify करके देगा. एंड थर्ड क्वेश्चन पूछिए, ये बिलीफ को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? एंड फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड माई पास्ट एंड लर्न टू लेट गो एंड मूव ऑन? मैं कैसे मेरे पास्ट को और खुद को, अपने आप को मैं फॉरगिव करूं एंड उसमें से लेसन सीखूं एंड आगे बढ़ जाऊं? लर्न टू लेट गो, इसमें से आगे बढ़ने के लिए लेट गो करना, मैं लर्न कैसे करूं? हाउ, अपने आप को और अपने पास्ट को कैसे मैं माफ करूं और आगे बढ़ने के लिए और ये सब कुछ लेट गो करना मैं कैसे सीखूं? जस्ट आइडेंटिफाई योर ओन मेथड, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें. और जो जवाब आएंगे वो आपके पर्सनल होंगे,
यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो जनरल होगी, जो अनक्लियर होगी, वेग हो सकती है, बट आपकी वो पर्सनल आवाज होगी। और भी इसमें से ये चार क्वेश्चन के थ्रू आपको जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो आज की जर्नलिंग वर्क एंड आज के मिरर वर्क से बहुत कुछ आप और भी ज्यादा समझ पाएंगे। ये पूरा सेशन आपको सच में बहुत हेल्प करेगा, जहां से आप अपनी ब्लॉक को, आपकी जो भी ब्लॉकेज है, आपकी जो लिमिटिंग बिलीफ है, आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और ये पूरी प्रोसेस को आपको बहुत ही कंफर्टेबल वे से करना है ना, तो एक अफर्मेशन है मैं आपको देती हूँ। आप 21 टाइम्स एवरी डे अपनी जर्नल में एवरी डे 21 टाइम्स लिखे, जिसे आप ये पूरी प्रोसेस अब मैं बताने जा रही हूँ, जो जर्नलिंग वर्क के लिए और मिरर वर्क के लिए और ये चार क्वेश्चन के इंट्रोस्पेक्ट के लिए हेल्पफुल रहेगी। जब आप उसमें डिफिकल्टी आती है तो ये बताए अपने आप को, लिखे बार बार और बोले मिरर के सामने भी, आई लेट गो ऑफ ऑल लिमिटेशंस एंड बिलीव्स, आई लेट गो एंड आई एम एट पीस, आई लेट गो ऑफ ऑल लिमिटेशंस एंड बिलीव्स, आई लेट गो एंड आई एम एट पीस। आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड नाउ आपको क्वेश्चन होगा कि ये तो हो गई बात कि हमने हमारे चार क्वेश्चन से हम खुद इंट्रोस्पेक्ट करें, लेकिन सच में तो हमें ये सेशन से तो एक्सपेक्टेशन है कि आप हमें भी कुछ मदद करके दें कि जैसे हम लेट गो कर पाए, क्योंकि आपने तो बोला था कि यू आर टीच गोइंग टू टीच अस आर्ट ऑफ लेटिंग द पास्ट गो, बट हमें तो खुद ही तो सब कुछ इंट्रोस्पेक्ट करके ढूंढना है, और हम सच में सही काम कर रहे हैं कि नहीं हमें कैसे पता चले, ऐसे भी आपको क्वेश्चन हो सकता है ना। तो हम आज इसका भी सॉल्यूशन लेके आया है, बिकॉज दैट इज व्हाट द आर्ट आई वांट टू टीच यू। आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, दैट इज द बेस्ट आर्ट। आपने अभी तक जो कैरी किया है, लिटिल वॉइस को आपको सरप्राइज करना है। मैंने आपको तीन अफर्मेशंस तो दिए, मैंने आपको एक टूल दिया जिससे आप ये पूरा वीक अच्छे से काम कर पाए, वो है अफर्मेशंस। बट हम आज मिरर वर्क के द्वारा हमारे जितने भी ब्लॉकेजेस है उसको वॉश आउट करने के लिए एक वंडरफुल छोटा सा मेटाफोरिकली एंड वेरी वेरी इफेक्टिव छोटा सा शॉर्ट मेडिटेशन से मैं मिरर वर्क आज का एक्सपीरियंस करवाऊंगी, जो आप यहाँ पर अभी एक्सपीरियंस करेंगे, और उसके बाद आप खुद भी आप मिरर के सामने ये प्रैक्टिस पूरा वीक करेंगे, राइट? तो सभी लोग तैयार है ये आर्ट सीखने के लिए और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। Yes, wonderful. Readiness is very important. Perfect. Okay, so इसके ये एक्सपीरियंस करने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट मेडिटेशन करवाने वाली हूँ, तो आप कंफर्टेबल जगह पर कंफर्टेबल पोजिशन में बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, और आपको मेरी आवाज सुननी है और एक्सपीरियंस करना है, जो जो भी मैं इंस्ट्रक्शन बताती जा रही हूँ उसको फॉलो करना है मेंटली। ओके, so just be ready, prepare yourself. I give you 10 seconds for the preparations and I'm going to open that music for you. Yeah. आप बिल्कुल तैयार है तो शांति से अपनी जगह पर बैठ जाइए, जहां पर आप एटलीस्ट नेक्स्ट 5-7 मिनट्स बैठ पाए कंफर्टेबली। आंखें बंद कर दे, इन एक्सपीरियंस करें अपने पास्ट, पेनफुल पास्ट को हम जाने देने के लिए तैयार है, वो कमिटमेंट के साथ बैठे। थोड़ी बहुत लंबी गहरी सांसें ले, अपने आप को रिलैक्स करें, और जब आप पूरी तरीके से रिलैक्स है तब
इमेजिन करें कि आप अपने फोरहेड को देख रहे हैं, अपनी मन की आंखों से अपने फोरहेड के ऊपर इमेजिन करें कि एक बटन है जिसको आप प्रेस कर रहे हैं। और ये बटन इजेक्ट का बटन है। जैसे ही आप ये बटन को प्रेस करते हैं, फोरहेड में से जैसे कि कोई डिस्क निकलकर बाहर आ रही है, जो डिस्क ओल्ड बिलीफ्स की है, ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ्स की, नेगेटिव थॉट्स की, जो कांस्टेंट आपके हेड में प्ले हो रही थी और आपको लिमिट कर रही थी। देखिए, आपने वो डिस्क को निकाल बाहर किया, आपके हाथ में रखा, जिसके ऊपर लेबल था लिमिटिंग बिलीफ्स एंड नेगेटिव थॉट्स। नाउ जस्ट इमेजिन कि आपके हाथ में ये जो डिस्क है, आप उसको कुछ ऐसी जगह पर थ्रो कर रहे हैं जहां से वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो अपना रोल कभी भी आपकी लाइफ में दोबारा प्ले नहीं करेगी। जस्ट इमेजिन यू आर थ्रोइंग एंड डिस्ट्रॉइंग दैट डिस्क फॉरएवर एंड दैट यू आर थ्रोइंग विथ लव। यू आर एक्नॉलेजिंग दैट डिस्क। आप उसको कह रहे हैं, थैंक यू, यू हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ, आई लर्नड अ लॉट एंड योर जॉब इज ओवर एंड डन नाउ। नाउ मैं तुम्हें जाने देने के लिए तैयार हूं। जस्ट इमेजिन कि पूरी तरीके से वो डिस्क डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब आप इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक आप ब्लैंक फ्रेश डिस्क ले रहे हैं, जो आप अपने फोरहेड पे इंसर्ट कर रहे हैं और अब उसमें आप नया पॉजिटिव पावरफुल रिकॉर्डिंग्स शुरू कर रहे हैं और वो रिकॉर्डिंग में आप चाहेंगे कि आप वंडरफुल अपना फ्यूचर क्रिएट करें, वैसा सारा रिकॉर्डिंग्स वहां पर हो। आप कभी नहीं चाहेंगे कि कुछ भी अब ऐसी बात हो कि जो मेरे भले के लिए ना हो और वो रिकॉर्ड हो जाए। आप कॉन्शियस है और आप तैयार है अपने वंडरफुल प्रेजेंट मोमेंट को और फ्यूचर को रीडिजाइन करने के लिए। आप रिकॉर्डिंग शुरू कर चुके हैं। जस्ट इमेजिन जैसे ही आप बोल रहे हैं, इमेजिन आपके फोरहेड में नई टेप रिकॉर्ड हो रही है और वो कुछ इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। I am willing to let go. I release. I let go. I release all tension. I release all fear. I release all anger. I release all guilt. I release all sadness. I let go of old limitations and beliefs. I let go and I am at peace. I am at peace with myself. I am at peace with the process of life. I am safe. I am precious. I am loved. I can forgive people easily.
I can forgive myself. I'm worthy. Just imagine ye sari information आपके नए डिस्क में रिकॉर्ड हो रही है एंड आपको यकीन है कि अब ये नई डिस्क आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बड़ा वो टेप कंट्रीब्यूशन करेगी. अब आपके फोरहेड के थ्रू जो नई डिस्क हमने इंस्टॉल करी है जिसके अंदर हमने एम्पावरिंग एंड पॉजिटिव अफर्मेशन से जिसको रिकॉर्ड किया है वही हमारा सुनहरा भविष्य बनाएगा. ये यकीन के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. या जब भी आपका मन हो वेन एवर यू फील सो जस्ट ओपन योर आईज. Friends, welcome back. Yeah. So, kaisa laga sabhi logo ko? Just use the chat box and just say. Just use a few words for this experience. Someone says it's a feel fresh, new life. Yeah. Feel relaxed. Perfect. Relief. Wonderful. That's so amazing. The good news is that ye activity aapko pura week karni hai. एंड आप बहुत कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो चाहे वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना. अच्छी न्यूज ये. और ये जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपको फ्यूचर में वही सारी फाइल्स आप जब भी चाहे ना चाहे वो आपके काम में आना शुरू हो जाएगी. कितना वंडरफुल है. वंडरफुल है ना. या उस्मान सेड आई एम फीलिंग माय बॉडी इन लाइट वेट. Perfect. You feel light. Perfect. That's so good. Congratulations. You did that. Now let's understand very, very, very important. आज का journaling work है. बहुत important है. बहुत समझना जरूरी है. आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो हो सकता है अच्छी तरीके से ये पूरा जो session है उसका जो essence है इसका जो main lesson है जो purpose है उसको नहीं पकड़ पाएंगे. तो क्या सभी लोग तैयार है आज के जो जर्नलिंग वर्क है वो असाइनमेंट को समझने के लिए. या आई ट्राई टू दैट बट ओके. चलिए ये समझते हैं. मैंने लिया है ये मिरर वर्क की किताब में से डे नंबर 4 का असाइनमेंट ही लिया है. आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है. आपकी जर्नल में आपको 4 कॉलम बनाने हैं आपकी लिमिटिंग बिलीफ को पकड़ने के लिए. जिसको आप पकड़ेंगे तो लेट गो कर पाएंगे, उसको आप डिस्कार्ड कर पाएंगे. उसके लिए आपकी जर्नल में आपको 4 कॉलम तैयार करने हैं. जैसे कि एक आपका दायां बायां दो तरफ का पेज है और आप उसमें 2 कॉलम इस तरफ 2 कॉलम इस तरफ करके कर सकते हैं. और उसके टाइटल देने हैं चारों कॉलम के 1 by 1. ईच हैज अ डिफरेंट टाइटल. लाइक अ क्रिटिसिज्म पहला कॉलम का टाइटल है. फियर इज अ सेकेंड कॉलम टाइटल. गिल्ट एंड रेजेंटमेंट अकॉर्डिंगली बाकी के 2 कॉलम के टाइटल. फिर आपको क्या करना है. थिंक अबाउट व्हाट रोल दे प्ले इन योर लाइफ. क्रिटिसिज्म ने आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया आपको वो क्रिटिसिज्म के कॉलम में लिखना है. गिल्ट ने आपके लाइफ में क्या रोल प्ले किया वो गिल्ट के कॉलम में. सेम फॉर रेजेंटमेंट एंड सेम फॉर फियर. आपको इंपॉर्टेंट बातें उसमें लिखनी है. राइट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स अबाउट ईच कैटेगरी इन द अप्रोप्रिएट कॉलम. आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है वो हर एक कैटेगरी के आपको वो जो तो कैटेगरी के कॉलम में लिखना है. एग्जाम्पल कि हमेशा
मुझे क्रिटिसिज्म मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बिकॉज माय पेरेंट्स यूज्ड टू क्रिटिसाइज मी. तो मैंने वो लिखा कि भाई ये कॉलम ने, ये क्रिटिसिज्म ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया. वो पहला क्वेश्चन का आंसर था. दूसरा, इससे वो आपकी, आपको कैसा उससे फील हो रहा है, क्या थॉट्स है? बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म आई फेल्ट ऑलवेज लाइक आई फील लाइक आई एम अ लो एस्टीम गर्ल चाइल्ड. यानी मुझे, मेरे पर कभी आत्मविश्वास की बहुत बड़ी कमी थी, राइट? सो ये फीलिंग्स थी मेरी जब तक मैंने इसके पर काम नहीं किया, तो वो फीलिंग्स थी. तो मैंने वो रियलाइज किया जब मैंने ये एक्टिविटी करी. तो मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ. सो फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट वर्क करना है जर्नलिंग में, वो ये करना है. नाउ दूसरा, स्टेप वन में से दो कैटेगरी को आप चूज कर लीजिए जो सबसे ज्यादा आपको लग रहा है डोमिनेंट है, जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी इम्पैक्ट कर रही है. फ्रॉम स्टेप वन, टेक द टू कैटेगरीज यू रोट द मोस्ट अबाउट एंड राइट डाउन 10 पॉजिटिव अफर्मेशन इन ईच कैटेगरी, राइट? जिसमें से आपको सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में इफेक्ट हो रही है, वैसी दो कैटेगरी को चूज करें और उससे जुड़े हुए 10 पॉजिटिव अफर्मेशन आपको दोनों में, दोनों कैटेगरी में आपको लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वन ऑफ द कैटेगरीज इज रेजनमेंट, सपोज एक कैटेगरी है आपकी दोनों में से रेजनमेंट की, तो आपको कैसे लिखना है? यू माइट राइट अफर्मेशन लाइक दिस, आई नाउ चूज टू रिलीज ऑल हर्ट एंड रेजनमेंट. द मोर रेजनमेंट आई रिलीज, द मोर लव आई हैव टू गिव. तो सपोज यहाँ पर आपने दो कैटेगरी चूज करी है और उसमें एक कैटेगरी है रेजनमेंट, और रेजनमेंट में आपको ऐसे 10 अफर्मेशन लिखने हैं, जिसमें एक अफर्मेशन का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि मैं चूज कर रहा हूँ सारे हर्ट एंड रेजनमेंट को रिलीज करने के लिए, एंड जितना मैं रेजनमेंट रिलीज करूंगा उतना मैं लव दे पाऊंगा. द मोर लव आई हैव टू गिव, मैं अपने आप को, दूसरों को इतना प्यार दे पाऊंगा. ऐसे 10 आपको अफर्मेशंस लिखने हैं, मोस्ट टू कैटेगरीज जो आपकी लाइफ को ज्यादा डैमेजिंग कर रही है. चारों कर रही है तो आप चारों में लिख सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता, कुछ दो, चार में से दो ऐसी होगी जो मोस्ट डोमिनेंट होगी आपकी लाइफ में. ये चार ही ऐसी फीलिंग्स है, इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, और इसी की वजह से हम स्टॉप हो जाते हैं, लाइफ में स्टक हो जाते हैं. सो आप कोई भी दो कैटेगरीज चूज कर सकते हैं और उससे जुड़े हुए 10 अफर्मेशंस आपको लिखने हैं, एंटीडोट एम्पावरिंग अफर्मेशंस लिखने हैं. आई एम श्योर यू नो हाउ टू क्रिएट द अफर्मेशंस, राइट? आपको पता है आपको अफर्मेशंस कैसे बनाने हैं. थर्ड पॉइंट है, एवरीथिंग इन अवर लाइव्स इज अ मिरर ऑफ हु वी आर, थिंक ऑफ पीपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान से समझिएगा. थिंक ऑफ पीपल इन योर लाइफ हु आर द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर यू. What are the traits that bother you most about them? Write those down. आपको क्या करना है? तीसरा काम, पहले दो स्टेप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टू स्टेप्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कि आपको आपके लाइफ में देखना है, एवरीथिंग इन अवर लाइव इज अ मिरर, ये हम जानते हैं. तो थिंक ऑफ पीपल इन योर लाइफ हु आर द मोस्ट चैलेंजिंग. ऐसे पर्सन के बारे में सोचे जो आपको लग रहा है मोस्ट चैलेंजिंग है, और उनके कौन से ट्रेट्स हैं, उनके कौन से ऐसे बिहेवियर है जो आपको बॉदर करते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करते हुए लिखना है, एक और एक से ज्यादा. एग्जाम्पल, आपका बच्चा है जो देर से उठता है सुबह, या तो अपना टाइम पर काम नहीं करता है, लेजी है, या सो मैनी थिंग्स. आपका बॉस है, उसके कोई वे ऑफ टॉकिंग उनका अच्छा नहीं लगता है, द वे दैट पर्सन वर्क आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके साथ ऐसे बात करता है, अच्छा क्या क्या चीजें हैं, एक एक से ज्यादा उनके ट्रेट्स जो आपको बॉदर करते हैं, आपको लिखना है. बिलीव मी, आज आप ये जर्नलिंग वर्क करेंगे, आपको बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है. अब वो जो पर्सन के साथ आपको ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स क्रिएट करना है, आप उसके बारे, उसको पसंद करें, और उसके ट्रेट्स आप यहाँ पर लिखें जो आपको उनके पसंद नहीं है, जो आपको बॉदर करते हैं. एंड फोर्थ पॉइंट है, लुक एट दैट ट्रेट्स दैट यू लिस्टेड इन स्टेप 3. राइट डाउन हाउ ईच ऑफ दीज ट्रेट्स मिरर अ बिलीव दैट यू हैव अबाउट योरसेल्फ. In that case, you should be very honest with yourself and with others, right? कि जो traits आपने दूसरों के बारे में लिखे जो आपको bother करते हैं,
क्या वो आपकी बिलीफ्स के साथ वो कितने मैच होते हैं, यू नो राइट डाउन हाउ ईच ऑफ दीज ट्रेट्स मिरर आपकी बिलीफ्स को वो कितना मिरर कर रहे हैं, राइट. यू माइट ऑल्सो वॉन्ट टू जॉट डाउन वॉट यू हैव लर्न अबाउट योर सेल्फ इन डूइंग टूडेज एक्सरसाइज. आपने ये पूरी एक्सरसाइज में से क्या क्या और सीखा, हो सकता है आप उसको भी जॉट डाउन करना चाहे तो आप उसको भी जॉट डाउन करें. ये काम करने से होगा क्या कि आपको क्या पता नहीं चल रहा है कि क्या मुझे ड्रॉप करना है या मेरी लिमिटिंग बिलीफ एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता चल रहा है, मुझे क्या एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करते हुए ड्रॉप करना है वो नहीं पता चल रहा है. तो आप ये होमवर्क करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नलिंग वर्क जिसमें ये चार क्वेश्चन है और इंट्रोस्पेक्ट के लिए मैंने चार क्वेश्चन दिए उससे पहले, आप इसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लिमिटिंग बिलीफ को पकड़ पाएंगे. उतना ही नहीं, सिर्फ पकड़ नहीं पाएंगे, आप उसको 10 अफर्मेशंस, एंटीडोट एम्पावरिंग अफर्मेशंस क्रिएट करके उसको ड्रॉप भी कर रहे हैं ये पूरी प्रोसेस के अंदर. एंड वो सारे अफर्मेशंस जो आप जर्नलिंग जर्नल वर्क में लिखेंगे वो आप अगेन मिरर वर्क में जाके उसको नई टेप रिकॉर्ड करें जो हमने अभी एक्सपीरियंस किया, जो मिरर वर्क का काम आपको करना है. आप ये करेंगे, बिलीव मी आज का ये सेशन और आज का ये वर्क है वो आप पकड़ में आ गया तो सच में आपका यू नो कहते हैं ना ब्रेक थ्रू की जो ये मोमेंटम पीरियड होता है, ब्रेक थ्रू मिलने का जो मोमेंटम पीरियड, वो आप सही तरीके से कैच कर पाएंगे. और उसके बाद के जो जो सेशन है वो सिर्फ ब्राइट फ्यूचर क्रिएशन के सेशन ही रह जाएंगे आपके लिए. सो दैट्स व्हाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, राइट. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डेफिनेटली विल गो अहेड, बट लेट मी फिनिश फर्स्ट. एक बहुत ही सुंदर सा कोट है जिससे मैं ये पूरे सेशन को एंड करना चाहती हूँ. जब मैं ये सेशन की प्रिपरेशन कर रही थी मुझे ये थॉट्स मेरे दिमाग में आया, letting the past go and liberate yourself fully. I again repeat, letting the past go and liberate yourself fully. Past ko jaane de aur apne aap ko puri tarike se liberate kare. Aur yahi aaj ke ye session ka intention tha. Dear friends, jaise maine sabhi logo ko bataya, WhatsApp group mein kafi log hai aur sabke alag alag question hai, to ab main subah 6 रात को इंडिया टाइम 6 से 9 जो मैं ग्रुप ओपन करती थी, आई एम नॉट गोइंग टू ओपन दैट. बट आपको करना क्या है कि जो भी आपके क्वेरीज है या आपके असाइनमेंट्स है फेसबुक में आपको पोस्ट करने हैं हमारे फेसबुक ग्रुप में, जिसकी लिंक मैं दोबारा सेशन के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगी. इस बार का जो असाइनमेंट है जो फेसबुक ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं वो ये है कि आपने जो भी 3 days पॉजिटिव थॉट्स फास्टिंग के ऊपर काम किया, थॉट चैलेंज, पॉजिटिव थॉट्स चैलेंज एंड नेगेटिव थॉट्स फास्टिंग किया, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप या तो मैसेज के फॉर्म में या तो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अपने ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं और यूज सर्टेन हैशटैग्स जैसे कि पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इनर वेलनेस, सेल्फ लव, इनर चाइल्ड हीलिंग, नेगेटिव थॉट्स फास्टिंग, लाइक दैट, राइट. आप ऐसे कोई अफर्मेशंस इसमें से चुनकर और सारे हैशटैग और कोई एक हैशटैग को चुनकर भी आप साथ में पोस्ट कर सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, आज आपको मेडिटेशन भी करना है और वो है डे नंबर 4 का मेडिटेशन करना है मेरी ऑनलाइन स्कूल में जाके. जो लोगों को मेरी ऑनलाइन स्कूल के बारे में नहीं पता है कि जहाँ से आप मेडिटेशन की वीडियो लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, अगेन मैं व्हाट्सएप में वो लिंक आपको शेयर करूंगी. आपको सिंपली वहां पर जाकर साइन अप करना है और आप मेडिटेशन के वीडियो एक्सेस कर सकते हैं. एंड फाइनली जो बात है वो है हमारे स्टार परफॉर्मर की. डियर फ्रेंड्स, जो आज पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं और सुन रहे हैं उनको बता दूं कि एवरी वीक जो हम असाइनमेंट देते हैं वो हर डे असाइनमेंट करते हैं एंड फेसबुक ग्रुप में उसको पोस्ट करते हैं, जो हमारा इनर वेलनेस का फेसबुक ग्रुप है, तो हम उसको एज अ स्टार परफॉर्मर यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं और उनको हम गिफ्ट में देते हैं 52 वीडियोस का पूरा बंडल, 52 वीडियोस का पूरा कोर्स, 1 साल की वैलिडिटी का ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स का हम कोर्स गिफ्ट में देते हैं, जो डेली ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग वर्क के जो प्रोग्रेस होती है, हम जो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं उसमें बहुत बड़ा काम यू नो हमें हेल्पफुल रहता है. सो ये 52
वीडियो के बंडल को, कोर्स को हम एवरी वीक जो परफॉर्मर होते हैं, वीकली परफॉर्मर, उनको हम एज अ गिफ्ट देते हैं. सो आज का टाइम है अगेन विनर स्टार परफॉर्मर ऑफ द वीक को अनाउंस करने का, और वो है प्रीति जी. सो कंग्रेचुलेशन प्रीति, मैंने जितना भी आपको ऑब्जर्व किया है आपने वंडरफुली काम किया है अभी तक और ये वीक में भी. सो कंग्रेचुलेशन प्रीति, आप 52 वीडियोस की लाइब्रेरी को जीत चुके हैं. सो प्लीज सभी लोग उन्हें कंग्रेचुलेट करें. जैसे कंग्रेचुलेशन प्रीति, वंडरफुल, जस्ट सेलिब्रेट हर सक्सेस एंड कीप शाइनिंग प्रीति एंड कीप डूइंग मोर ग्रेट वर्क इन योर लाइफ. वंडरफुल, सी हाउ मेनी पीपल आर कंग्रेचुलेटिंग टू यू. That's so amazing, right, dear friends? और आप सभी लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो मेरी फेसबुक का पेज है और मेरा गूगल पेज है, वहाँ जाकर आप हमारी प्रोफाइल को भी रेट एंड रिव्यू कर सकते हैं. मैं इसकी लिंक भी व्हाट्सएप में जरूर से शेयर करूंगी. प्लीज़ डू दैट. आपको लग रहा है कि ये सच में बहुत ही यूजफुल नॉलेज है और लोगों तक पहुंचना चाहिए, और आज सभी लोग गूगल में पहले सर्च करते हैं, रिव्यू देखते हैं और फिर कुछ यू नो अवेल करते हैं, तो आपके एक रिव्यू हो सकता है काफी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं. सो आपको लगता है तो आप जरूर से रिव्यू भी लिख सकते हैं. सो दिस इज इट फॉर द डे. हमारे पास है 5 मिनट का टाइम. आपके पास कुछ भी, आपके पास सवाल है आज के सेशन से जुड़े या अभी तक के, सो आप शॉर्ट में और क्विकली पूछना चाहे तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. हेलो दीपाली जी. यस रोशनी, वो इंट्रोस्पेक्शन के 4 क्वेश्चंस आप रिपीट कर सकते हैं, मेरा नेट वीक हो गया था. या तो आई विल शेयर दैट 4 क्वेश्चंस इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप. सो डोंट वरी, जितना जितना मैंने काम दिया है वो सभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर से करूंगी. राइट, ओके, थैंक यू. राइट, समवन आस्क लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजेंटमेंट. रेजेंटमेंट यानी नाराजगी. देखिए दीरा, दीज आर द 4 इमोशंस. एक है गिल्ट यानी कि अपराध भावना, फियर यानी डर, रेजेंटमेंट एंड एंगर. सो हमें रेजेंटमेंट यानी नाराजगी है किसी से, नॉट एंगर, बट यहाँ पर हमने क्रिटिसिज्म लिया है. राइट, 4th इज अ क्रिटिसिज्म. रेजेंटमेंट यानी नाराजगी है हमसे या किसी और से, किसी बात को लेके, बचपन में हो या कभी भी अभी रिसेंट पास्ट में. सो उसके ऊपर हमें काम करना है. या कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए. आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस रहा आज के सेशन का? आपने क्या सीखा वो आप जरूर से फेसबुक ग्रुप में एंड व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों में शेयर करें. मैं हाफ एन आवर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप आफ्टर द सेशन ओपन रखूंगी. या कुछ आप बताएं. यस उस्मान जी, आ रही है आवाज. क्वेश्चन था कि ये सेशन के स्टार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो पास्ट थॉट्स हैं उनके हमारे कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं जिनको हम रिमूव करना चाहते हैं ना, इजेक्ट करना चाहते हैं. उस पर डिस्कशन हो रही है स्टार्ट में. एक क्वेश्चन है उस हवाले से. क्या हम लिमिटिंग बिलीव को, क्या आपकी आवाज बहुत लिमिटिंग बिलीव को हमने रिमूव करना है ना, अपने माइंड से निकालना है, खत्म करना है. हाँ, स्टार्ट में. हाँ जी, तो एक मैं चीज डिस्कस हो रही थी कि इसमें 2 चीजें आ जाती हैं. मैंने आपके एक लेक्चर में सुना था कि हम जो चीज देखते हैं वो हमारा बिलीव बन जाता है, एक चीज. और दूसरा ये है कि जो हमारा बिलीव होता है वो हम देखते हैं, यानी कि ये वाइस वर्सा है. करेक्ट. तो यहाँ पे हम इस में किस चीज को प्रायोरिटी पे रखेंगे जब हमने अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को रिमूव करना है, जो हमारे अंदर बिलीव है, जो तो हमने जो देखा है वही बिलीव है, फिर हम इसको खत्म कैसे कर सकते हैं? सो आपका 2 क्वेश्चन है. सबसे पहले तो जो हम देखते हैं वो हमारी बिलीव बन जाती है या हमारी बिलीव है वही हम देखते हैं. राइट, दैट इज व्हाट योर फर्स्ट क्वेश्चन.
यस बिल्कुल यही क्वेश्चन करेक्ट. एंड दूसरा क्वेश्चन है आपके उसको कैसे एलिमिनेट करें, राइट? जी दूसरा क्वेश्चन यही है, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है ना कि जो हमने देखा है वही तो हमारा बिलीव है, तो फिर हम उसको एलिमिनेट क्यों करें, मतलब फिर उसके बाद आ जाता है कि कैसे करें. अच्छा, क्यों करें और कैसे करें. ओके, सो सबसे पहले तो तीनों सवालों के साथ में जवाब देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमारे अंदर जो बिलीफ है ना वही हम बाहर की दुनिया में देखते हैं. हमारे अंदर जो फ्रेम है ना वो फ्रेम से ही हम दुनिया देखते हैं, या तो हमें जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो हमारे अंदर जो बिलीफ है वैसे ही एक्सपीरियंस हो रहे हैं. तो बाहर जो देख रहे हैं वो हमारी बिलीफ बन जाती है, बट हम वही प्रकार के एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनर वर्ल्ड इज इम्पॉर्टेंट, अवर बिलीफ इज इम्पॉर्टेंट. और अब बिलीफ हमने जो मान के रखा है वही हमारे लिए सच है, तो उसको क्यों एलिमिनेट करें, वो बात सही है. बट जो बिलीफ ऐसी भी है जो आपने मान के रखी है बट आपके भले के लिए नहीं है, एग्जाम्पल कि पैसा तो पेट पर थोड़ी ना उगता है, पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसा मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मैं इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, एग्जाम्पल आपने ऐसी 4-5 बिलीव्स पैसे के बारे में बना के रखी है, और क्या ऐसी बिलीफ के साथ आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे. तो फिर वो बिलीफ आपने ही बनाई है बट वो आपके भले के लिए नहीं है, तो सिंपली आपको ड्रॉप करनी है. अब ड्रॉप करनी है तो कैसे करनी है, वो हम यहाँ पर ये पूरी एंटायर सीरीज में यही सीख रहे हैं कि कैसे लेट गो करें. तो हमने आज यही सीखा कि हम इसको कैसे लेट गो करें. तो आई एम श्योर मैंने ये तीनों सवालों का जवाब दिया आपको, राइट? कुछ बहुत हैवी स्टॉर्म आने वाला है पूरा फ्लोरिडा, तो आई डोंट नो मेरा कभी भी पावर कट हो सकता है क्योंकि इंटरनेट फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया है. जस्ट प्रे फॉर अस, बिकॉज हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो समंदर से 10 मिनट की दूरी पर है, 10 मिनट ड्राइव की दूरी पर है. एंड वी आर जस्ट प्रेइंग कि वेनसडे एंड थर्सडे में बहुत ही थोड़ा हैवी रहेगा फ्लोरिडा में. एंड कहते हैं ना कि इट्स लाइफ थ्रेटनिंग, बट एनी वे वी आर प्रेइंग एंड नो डाउट हम बॉर्डर पर है, इतना कुछ होने नहीं वाला, बट स्टिल इफेक्ट्स आर स्टार्टेड. सो दैट्स वाई मैंने प्रीपोन किया, बिकॉज थर्सडे वी डोंट नो कि हम कौन से सिचुएशन में होंगे. हो सकता है वी कैन एक्सपेक्ट द पावर फेलियर, अभी से आई कैन फील दैट फ्लक्चुएशन इन माई इंटरनेट कनेक्शन. So anyway, if you have any queries, you can quickly ask. We have 1 or 2 minutes more and then we'll complete the session. And I will post all these things in the WhatsApp group immediately. Please just share your experience, what you have learned today and what you have learned so far for this entire series of September. 5 weeks the September, 5 Thursdays the. And we have completed a whole month. 5 weeks of lessons, what you learned. वो भी लिख सकते हैं वहां, शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में. एंड हमेशा याद रखिए, व्हेन यू आर शेयरिंग यू नो यू आर नॉट हेल्पिंग योरसेल्फ बट यू आर हेल्पिंग अदर्स आल्सो, राइट? परफेक्ट. ऑलराइट, सो डियर फ्रेंड्स, कंसीडरिंग कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कंसिडरेशन के साथ में आज का सेशन कंप्लीट करती हूँ. याद रखिएगा, सिर्फ सेशन सुनेंगे तो आपका आधा काम हुआ है. आधा काम तभी पूरा होगा, सर्कल कंप्लीट तभी होगा जब आप जो काम मैं देती हूँ ये सेशन के अंदर असाइनमेंट के तौर पर, जो आपको पूरा वीक करना है वो जब आप करेंगे तभी आपका बाकी का जो हिस्सा है, आधा जो दूसरा काम बचा है वो कंप्लीट होगा, तभी आपका सर्कल कंप्लीट होगा और आपको 100% रिजल्ट्स मिलेगा. सो आपने सेशन को एंड तक अटेंड किया, सो कंग्रेचुलेशंस. बट आप काम करेंगे रोज का रोज जो मैं आप देने जा रही हूँ व्हाट्सएप में, जो आपने अभी सुना देखा समझा, आप उसके ऊपर जब काम करेंगे तो ही रिजल्ट्स मिलेगा. तो प्लीज काम कीजिए, शेयर कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए एंड अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से रीडिजाइन कीजिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट डियर फ्रेंड्स. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night. Good night.